अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि आपने रिसर्च आर्टिकल कैसे फाइंड करना है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ फ्री वेबसाइट्स जहाँ से आप आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गूगल स्कॉलर से जो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल स्कॉलर टाइप करना है। सबसे पहले जो वेबसाइट आपके पास आएगी आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने आ जाएगा गूगल स्कॉलर, सर्च बार आ गई है। आपने अब यहाँ पर अपना टॉपिक सर्च करना है, उसका कोई वेरिएबल लिख लें, उसकी टर्म लिख लें या पूरा टॉपिक लिख लें, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। तो आप जैसे लिखेंगे तो आपके सामने आर्टिकल्स आ जाएंगे काफ़ी सारे, तो सामने PDF भी शो हो रहा है। ये देखें, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आर्टिकल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, यहाँ पर क्लिक किया, ये PDF हमारे पास डाउनलोड होने लग गई है। ये देखें ऊपर, ये डाउनलोड हो चुकी है। तब आप इसको VPS में जाके ओपन कर सकते हैं, इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है, हमारा आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन, इसके कीवर्ड्स, प्लीज में सारा कुछ आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस तरह आपने अपने काफ़ी से रेलिवेंट कोई भी आर्टिकल डाउनलोड करना है, उसका डाटा कॉपी करना है, वहाँ पर जाके अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देना है। टाइप करना चाहते हैं आप टाइप भी कर सकते हैं, इसके रेफरेंसेज भी इसमें ऐड है, लास्ट में रेफरेंसेज भी देखेंगे, इसका कोर्स चैप्टर डिस्कशन वो भी है, पेपर्स वगैरह सारा कुछ। ये आगे रिजल्ट्स इस टॉपिक के सबसे लास्ट में आएंगे रेफरेंसेज, ये आगे रेफरेंसेज। तो ये कंप्लीट आर्टिकल है आपके पास, आप इस तरह इसका डाटा अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप है साइंस ओपन, ये भी एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपना वेरिएबल लिखते हैं, सर्च करके आपने अपने आर्टिकल से रेलिवेंट डाटा इकट्ठा कर देना है। 88 मिलियन पब्लिकेशन हैं, 25 मिलियन इसके आर्टिकल्स हैं। अब आपने प्राइसेस कोई भी एक्सपेक्ट करेंगे, 25K जर्नल्स हैं, 31 मिलियन ऑथर्स हैं, ये पब्लिशर्स के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए ये अलग कैटेगरी बनी हुई हैं। तो इस तरह आपके पास ये इसका प्रकेश शो होगा, आपने कर लेना है अगर आप पढ़ना चाहें। आपने नीचे जाना है, नीचे आपको फर्दर ऑप्शंस शो होंगे, साइंस सब क्या है, इसकी वीडियो भी यहाँ पे अपलोड की हुई है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये इसका प्रकेश है, ठीक है, अभी होगी आपको समझ आ रही होगी। तो ये देखें सर्च बार है, यहाँ पर आप लिखना, ये देखें यहाँ पे ऑथर्स के अकॉर्डिंग, अपने ईयर के अकॉर्डिंग सारी इसका कैटेगरी भी होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। जॉइन फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री है, अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपने आर्टिकल डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करें, ई मेल कन्फर्म, ई मेल दोबारा से वही ई मेल डालना है आपने, उनको पासवर्ड फिर कन्फर्म पासवर्ड करना है। नेक्स्ट साइंस आपकी बिल्कुल ईजी है, वो भी आप लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल फैक्ट्री। आर्टिकल फैक्ट्री जैसा कि नाम से शोर है, बहुत ही वैल्यूएबल वेबसाइट है, ठीक है। आपने आर्टिकल फैक्ट्री के गूगल पे जाकर फर्स्ट जो आपके पास आएगी आर्टिकल फैक्ट्री, उसको आपने क्लिक करना है, ओपन हो जाएगी आपके पास। फिर आप पब्लिशर हैं या बायर हैं, हमने कोई सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना, आपके पास इसका डैशबोर्ड आएगा, यहाँ से आप आर्टिकल जनरेट करके आगे को लिख के पब्लिश कर अपना काफ़ी जो है ना अर्निंग भी कमा सकते हैं, आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ना जस्ट अपनी स्टडी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। रिसर्च बात पर आपको जाकर लिखना अपना टॉपिक में, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, दैन सर्च पर क्लिक किया। आप इसके हमारे पास क्या लिया चाहते हैं, ये देखिए फर्स्ट सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स आर्टिकल्स, या फिर इतने सारे आर्टिकल्स आ गए, जो आर्टिकल आप लेना चाहेंगे, जो आपको लगे टू दी पॉइंट आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, आपने उसको क्लिक करना है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए आर्टिकल पर इतने सारे आपके पास आर्टिकल आ गए हैं, हर कैटेगरी के आर्टिकल आ चुके हैं आपके पास, इसके पेजेस भी हैं। अगर आप इस पेजेस पर आपको अच्छा लगा तो आप इसका नेक्स्ट पेज भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आर्टिकल राइटिंग करके काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, तो ये देखिए टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट सारे आर्टिकल हमारे पास आ गए, तो उस पर क्लिक किया, इसको ओपन कर दिया,
सेटिंग को क्लिक करके इसको ओपन करते हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह इस फॉर्म में शो हो जाएगी, सारे उसके पॉइंट्स जो भी इसमें आप पॉइंट्स देना चाहें, जो ऐड करना चाहें वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से आप उसे टाइप कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेजेस, टाइप डिसएडवांटेजेस, स्पेक्स, कुछ भी आप देना चाहें, हर तरह की इंफॉर्मेशन लिखने सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप फर्दर इसको अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो कर दें, इनके लिए लास्ट में लिखा हुआ कि आपके पास इस कैटेगरी शो हो रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, काफ़ी लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग में, काफ़ी राइटर जहाँ से अपने आर्टिकल जनरेट करते हैं और घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी अगर स्टूडेंट्स के साथ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप भी इस वेबसाइट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पबमेड, फाइव वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट बहुत अहम है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने पबमेड टाइप किया, पबमेड सर्च, आपके पास इस तरह वेबसाइट है जो फर्स्ट पे होगी, आपने उस पर क्लिक करना है, पबमेड फर्स्ट पे शो हो रही है, हमने क्लिक किया, हमारे पास सामने सर्च बार आ चुकी है, ये हमारे पास इस तरह सर्च बार आ चुकी है पबमेड की। आपने यहाँ पर अपना वेरिएबल टाइप कर देना है, अपना टॉपिक लिखना है, मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल टाइप करती हूँ, ठीक है, बिहेवियर, सर्च करते हैं इसको, यहाँ पर देखें आपके सामने इतने सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। ये बहुत ही अहम वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, हर तरह का डाटा आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं बिल्कुल ईजी, इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, देखें हम नेक्स्ट पेज पर भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं, किसी और पे से आप सर्च करना चाहिए, लेकिन इसका जो रेफरेंस है उसका स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एमएलए चाहिए, एपीए चाहिए, मैंने एपीए सेलेक्ट किया, लेकिन साइट पे क्लिक किया था तो मेरे पास ये रेफरेंस आया था, मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया। ठीक है, ये सामने आपको नीचे नज़र आ रहा है शेयर के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट आप किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप मोस्ट रिसेंट ले सकते हैं, आप पब्लिकेशन की डेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आर्टिकल्स जिस हिसाब से आप डाउनलोड करना चाहें आप उस हिसाब से वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंड का ऑप्शन आएगा, अगर आर्टिकल सेंड करना चाहते हैं, किसी को मेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सजेशन होने से में शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपने सेटिंग पर क्लिक कर कर इसका फॉर्मेट भी फॉर्मेट कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इधर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सेप्टेड फुल फॉर्म टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह कैटेगरी मिल जाएंगी, तो आप जो भी कैटेगरी करना चाहते हैं सिलेक्ट वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके पेजेस भी सिलेक्ट कर लेंगे, अपनी मर्जी से आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसका स्टाइल आप सारी चेंजिंग इस तरह खुद से ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखें आपको साथ साथ आर्टिकल्स के राइटर का नेम, उसका एयर पब्लिकेशन सारा कुछ शो हो रही है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई और वेबसाइट, गूगल स्कॉलर और पबमेड के अलावा जितनी वेबसाइटें हैं उन सबसे अच्छी यही है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने आर्टिकल कैसे डाउनलोड करने हैं, अपना डेटा कहाँ से इकट्ठा करना है।